जीवन में लक्ष्य एक रखिए। कितने लक्ष्य? एक लक्ष्य। एक मनुष्य के जीवन में एक लक्ष्य हो, इसको पाना है। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य साधना चाहिए, लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। असफलता यह बताती है कि सफलता का प्रयत्न पूर्ण मनोयोग से नहीं किया गया। कई लोग हमारे देश में, कई नौजवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग, प्रतिभा का हनन हो रहा है, कहे आरक्षण हो रहा है, आरक्षण से बड़ी हानि है। मैं नहीं मानता। प्रतिभा किसी की कृपा नहीं ढूंढती है। प्रतिभा अपने पौरुष से जो चाहिए सो प्राप्त करती है। प्रतिभा पौरुष के बल पे चलती है, कृपा के बल पर नहीं चलती है। पढ़ के पास हो गए, अरे समाज में काम करने के कितने आयाम हैं, कितने क्षेत्र हैं, करिए। सबसे अद्भुत तो हमारा क्षेत्र है, कथाकारों का। कथाकारों का काल पड़ा है, विवेकशील कथाकार नहीं रहे। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां प्रतिभाएं पूजी नहीं जाती हैं? जहां प्रतिभा है वहां पूजन है। लष्टम पष्टम तो कृपांक से कोई भी पा सकता है, आप चिंता करना नहीं। ये बहुत दिन चले, प्रतिभाओं का हनन जिस देश में हुआ है वह देश एक दिन अपने आप अस्थि पंजर उसका बजने लगता है। प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए और प्रतिभा को अपने पौरुष के बल पर जगत के लिए अनेक दिव्य से दिव्यतम सामग्री उपस्थित करने का प्रयास करना चाहिए। आप निकाल कर देखिए, अंगुली पर गिन लीजिए। प्रतिभा ही पूजी जाती है, प्रतिभा नहीं है तो पूजन नहीं होगा। कितने दिन तक चलेगा ये जुगाड़ से गाड़ी? कितने दिन चलेगी? आजकल एक जुगाड़ गाड़ी चली है, तो जुगाड़ गाड़ी पटना से बक्सर थोड़े पहुंचाएगी। ठक 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 करके रास्ते में आ रहा है तक रह जाएगी। इसलिए जीवन में बेटियां बैठी हैं, बहने बहुएं बेटे, सबसे मेरी प्रार्थना है, सबसे श्रेष्ठतम व्यवहार है, अपने जीवन में अध्ययन को महत्व दो, तप को महत्व दो, सदाचार को महत्व दो। परिणाम आपके चरणों में अपने आप चल करके आएगा, आपका सम्मान करेगा। लापरवाह व्यक्ति जीवन भर रोता है। मेरे राम जी नहीं दुखी भाई? राम जी यहां भी आनंद में है, वन में भी आनंद में है। गुरुदेव ने कहा, चक्रवर्ती जी झुराई गए, सोने अति अप्रिय बानी हृदय कंप मुख दुति। महाराज के मुख की दुति को मिलाई गई। सोचने लगे, कहां ये बालक, कहां वो कठोर असुर, कैसे रहेंगे, कैसे उनसे लड़ेंगे? महाराज ये संभव नहीं है, मेरे बालक कितने कोमल हैं, आप इनको असुरों को मारने के लिए ले जा रहे हैं। कहिए मैं चल चलूं, प्राण मेरे ले चलिए, सेना ले चलिए, बच्चे नहीं दूंगा। चक्रवर्ती जी ने स्पष्ट मना कर दिया। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा नृप संदेह नाशक अति आदर दो तनय बोला हृदय लाई बहु वशिष्ठ जी ने जब समझाया, चक्रवर्ती जी का संदेह नाश को पाया। जानते हैं क्यों? चक्रवर्ती जी महाराज राम जी को भगवान मानते ही नहीं।
जब वो भगवान मानते ही नहीं है तो उनकी उनमें श्रद्धा नहीं है, प्रेम है। मनुष्य रूप में वर मांगे हैं, सुत विषय कतव पदरति हो, मोहि बड़ कहे आप हमारे पुत्र होके आए। जगत का जैसा जीव व्यवहार होता है मेरा आप में हो, जैसे जगत का जीव पिता पिता अपने पुत्र में राग रखता है, वैसा मेरा आप में हो। यही कारण है। इतने नहीं कहा, क्या मांगा? मन बिनु फन जिम, जल बिनु मीना, मम जी